हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी के आर टेक क्लासेस। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, रेलवे ओएचई इंजीनियर इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर। दोस्तों, अभी तक फर्स्ट पार्ट जो मैंने अभी कल अपलोड किया था, उसमें आपने देखे 100 क्वेश्चन एंड आंसर। और दोस्तों, बहुत लोगों ने वो वीडियो पसंद किया है, ठीक है। तो यदि जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, तो वीडियो जरूर देख लीजिए, और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। और इस वीडियो में दोस्तों हम आगे देखेंगे 101 से है 200 क्वेश्चन। तो 100 क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाइट ऑफ कॉन्टेक्ट वायर फ्रॉम रेल लेवल नियर एलसी गेट कितनी होता है? 5.50 मीटर। स्टैंडर्ड इनकम्बरेंस कितना होता है? 1400 mm। अदर इनकम्बरेंस कितना होता है? इनकम्बरेंस 900 mm, 700 mm, 500 mm, 400 mm और 300 mm। स्टैंडर्ड स्पान लेंथ कितनी होती है? स्टैंडर्ड स्पान लेंथ 72 मीटर, 67.5 मीटर, 63 मीटर, 58.5 मीटर, 54 मीटर, 49.5, 50 मीटर, 50 मीटर और 45 मीटर, 40.50 मीटर, 36 मीटर, 31.50 मीटर और 27 मीटर। ये क्या स्टैंडर्ड स्पान लेंथ है, कंडीशन से हिसाब से ये वेरी करते हैं। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन कंजिक्यूटिव स्पान लेंथ कितना होना चाहिए? 18 मीटर। मिनिमम स्पान लेंथ फॉर इंसुलेटेड ओवरलैप कितना होना चाहिए? 54 मीटर। लेंथ ऑफ स्वीपिंग जोन कितना होना चाहिए? 4 to 6 मीटर। वेट ऑफ सेक्शन इंसुलेटर कितना होता है? 45 kg, 45 kg। द मिनिमम स्पान लेंथ ऑफ सेक्शन इंसुलेटर कितना होना चाहिए? 54 मीटर। वेट ऑफ डबल सेक्शन इंसुलेटर कितना होना चाहिए? 60 kg। टोटल वेट ऑफ काउंटर वेट फॉर विंच टाइप ATT 400 kg। टोटल वेट ऑफ काउंटर वेट फॉर थ्री पुली टाइप 665 kg। रेशियो ऑफ विंच टाइप ATT 5:1। रेशियो ऑफ थ्री पुली ATT 3:1। हार्ड ड्रॉन पार्ट इन दी OHE, हाइड्रोन पार्ट इन ओची कौन सा होता है? कॉन्ट्रैक्ट वायर होता है। मैकेनिकल एडवांटेज इन द रेशियो ऑफ क्या होता है? लोड टू एफर्ट। नेक्स्ट, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ विंच टाइप ATT कितना होता है? 5 होता है। मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ थ्री पुली टाइप ATT कितना होता है? 3 होता है। एवरेज लाइफ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वायर कितनी होती है? 25 years। टाइप ऑफ कैंटिलीवर असेंबली स्वेलिंग टाइप। लोकेशन ऑफ सी जम्पर फ्रॉम सपोर्ट 5.6 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन टू सी जम्पर्स 350 मीटर। लोकेशन ऑफ जी जम्पर अनइंसुलेटेड ओवरलैप टर्नआउट क्रॉस ओवर। लोकेशन ऑफ एफ जम्पर इंसुलेटर ओवरलैप। नॉर्मल स्ट्रेगर ऑफ कैटरनरी वायर कितना होता है? 0। स्ट्रेगर ऑफ कॉन्टेक्ट वायर ऑन टेंजेंट ट्रैक ± 200 mm। स्ट्रेगर ऑफ कॉन्टेक्ट वायर ऑन कर्व्ड ट्रैक कितना होता है? ± 300 mm। स्ट्रेगर ऑफ कैटरनरी वायर ऑन कर्ब ट्रैक कितना होता है? ±100 mm। स्टेगर ऑफ सेक्शन इंसुलेटर 0 होना चाहिए। मिनिमम स्टडी क्लियरेंस ऑन मेन लाइन कितना होना होना चाहिए? 250 mm, 250 mm। मिनिमम स्टडी क्लियरेंस कितना होना चाहिए ऑन लूप? 180 mm। लोकेशन एडजस्टेबल ड्रॉपर्स क्या होता है? सेक्शन इंसुलेटर। अनदर नेम ऑफ रजिस्टर आर्म ड्रॉप कितना होता है? 7 mm ड्रॉपर।
करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ सिंगल पोल इंसुलेटर कितनी होती है इसकी? 600 एम्पियर। करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ डबल पोल इंसुलेटर कितनी होती है? 800 एम्पियर। टेंशन लेंथ ऑफ रेगुलेटेड ओएचई कितनी होनी चाहिए? 1600 mm। टेंशन लेंथ ऑफ अनरेगुलेटेड ओएचई कितनी होनी चाहिए? 2000 mm। और टेंशन ऑफ ट्रामवे कितना होता है? 1250 kg। मैक्सिमम टेंशन ऑफ रेगुलेटेड ओएचई कितना होता है? 2000 kg। मैक्सिमम टेंशन ऑफ अनरेगुलेटेड ओएचई कितना होता है? 3000 kg। टेंशन ऑफ एल्यूमिनियम कैटेनरी वायर कितना होता है? 800 kg। टेंशन ऑफ एल्यूमिनियम कॉन्टैक्ट वायर कितना होता है? 1200 kg। टेंशन ऑफ एंटी क्रीप वायर कितना होता है? 1000 kg। टेंशन ऑफ क्रॉस फीडर वायर कितना होता है? 400 kg। रनर लेंथ ऑफ सेक्शन इंसुलेटर कितना? 2.12 मीटर। मैक्सिमम अलाउड लेनिंग ऑफ मस्ट कितना होता है? 880 mm। अलाउड पर सेग कितना होता है? 100 mm। हाइट ऑफ ओ ओ आर ओ एच ई कॉन्टैक्ट कितना होता है? 6.10 मीटर। डेप्थ ऑफ के सीरीज मस्ट कितना होता है? 300 mm। मैक्सिमम परमिटेड स्पीड ऑफ अनरेगुलेटेड ओ एच ई कितना होता है? 80 to 100 km/h। मैक्सिमम परमिटेड स्पीड फॉर रेगुलेटेड ओएच कितने होता है? 160 km/h। मैक्सिमम परमिटेड स्पीड फॉर ट्रामवे कितना होता है? 80 km/h। साइड वेयरिंग कैपेसिटी फॉर बी टाइप फाउंडेशन कितनी होती है? 11,500 kg/m². साइड वेयरिंग कैपेसिटी फॉर वीजी टाइप फाउंडेशन कितना होता है? 11,500 kg/m². साइड वेयरिंग कैपेसिटी फॉर MG/G टाइप फाउंडेशन कितना होता है? 5,500 kg/m². साइड वेयरिंग कैपेसिटी फॉर RVC टाइप फाउंडेशन कितनी होती है? 16,500 kg/m². वन सिक्सटी फाइव पॉइंट क्या है हमारा? साइड वेयरिंग कैपेसिटी फॉर RWBC टाइप फाउंडेशन कितना होता है? 8,250 kg/m². डिस्टेंस बिटवीन एंकर मस्ट एंड ड्वार्फ मस्ट कितना होता है? 8 मीटर। मैक्सिमम रेटेड वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज रॉड कितना होता है? 6,250 amperes/s। द टाइम पीरियड फॉर POH इन OHE कितना होता है? 1 in 4 years। पीरियड ऑफ रिटेंशनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड OHE कितना होता है? ईयरली एंड सीजनली। लोकेशन ऑफ क्रॉस बॉन्ड कितना होता है? विथ इन द लिमिट्स ऑफ स्टेशन। लोकेशन ऑफ इंटर ट्रैक बाउंड LC गेट एंड विद इन स्टेशन लिमिट। द मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन टू IR बॉन्ड्स कितना होता है? 350 मीटर। मिनिमम एम्बेडेड लेंथ ऑफ मस्ट कितनी होती है? 1/8 ऑफ मस्ट हाइट। ट्रैक सेपरेशन रेंज कितना होता है? 150 mm टू 700 mm। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ वरीड रेल इन अ सब स्टेशन कितना होता है? 13 मीटर। इफेक्ट ऑफ राइज इन टेम्परेचर इन रेगुलेटर ओएचई कितना होता है? XY वैल्यू डिक्रीजेस। लोकेशन ऑफ 3 kV डिक्स इंसुलेटर कितना होता है? RC सस्पेंशन। मैक्सिमम नंबर ऑफ ओएचई एलोटेड फॉर TCC, 2।
टाइप ऑफ टर्न आउट मस्ट, के 200, बी 200, 8 × 6। टाइप ऑफ एंकर मस्ट 8 × 6। मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्स ऑन पोर्टल, एन टाइप में 4, ओ टाइप में 6, आर टाइप में 8 होते हैं। क्रॉस सेक्शन ऑफ अपराइट, एन टाइप 415 × 450 mm, ओ टाइप 550 × 550 mm, आर टाइप 600 × 600 mm। लेंथ ऑफ अपराइट, एन टाइप 10.51 मीटर, ओ टाइप में होता है आपका 10.61 मीटर, आर टाइप VFG, जी टाइप कितना होता है 10.666 मीटर। लेंथ ऑफ एंड पीस, एंड टाइप में होता है 5.38, 5.88 मीटर, ओ टाइप में होता है 10.55 मीटर, 11.05 मीटर, आर टाइप एंड बीएफसी जी टाइप होता है 11.55 मीटर, 12.05 मीटर। लेंथ ऑफ सेंटर पीस होता है 8.50 मीटर, 9.00 मीटर, एन टाइप के लिए होता है 1.529 मीटर, ओ टाइप के लिए होता है 1.529 मीटर, और आर टाइप के लिए होता है 7.5 to 12 मीटर। क्लियर स्पान डिस्टेंस बिटवीन टू अपराइट्स, एन टाइप के लिए कितना होता है 10 to 20 मीटर, ओ टाइप के लिए होता है 20 to 30 मीटर, और आर टाइप के लिए होता है 30 to 36 मीटर। नंबर ऑफ कवरिंग एंगल फॉर ईच जॉइंट कितना होता है 4। नंबर ऑफ नी ब्रेसिंग्स फॉर पोर्टल कितना होता है 2। नंबर ऑफ होल्स ऑन आ कवरिंग एंगल, लोकेशन ऑफ TTC 2x3 ट्रैक कैंटिलीवर, टाइप्स एंड साइज ऑफ ड्रॉप आर, ए टाइप के लिए होता है 300 × 200 mm, वी टाइप 300 × 300 mm, सी टाइप होता है 150 × 150 mm। मैक्स नंबर ऑफ कैंटिलीवर्स कैन बी कवर्ड बाई ड्रॉप आर, 1 ए टाइप, 2 बी टाइप, सी सॉरी 3 सी टाइप। स्पीड लिमिट ऑफ सी क्लास ODC 8 to 15 किलोमीटर पर आवर। मैक्सिमम स्पीड ऑफ 8 व्हील टावर कार कितना होता है 110 किलोमीटर पर आवर। मैक्सिमम स्पीड ऑफ स्पीड रिस्ट्रिक्शन ऑफ 4 व्हील टावर कार टाइप सेकेंड, 40 किलोमीटर पर आवर। मैक्सिमम स्पीड रिस्ट्रिक्शन ऑफ 4 व्हील टावर कार टाइप 3 लेकर तो होता है 80 किलोमीटर पर आवर। टाइप ऑफ क्वेश्चन बोर्ड यूज्ड एट एंड ऑफ एलिमेंट्री सेक्शन, पावर ब्लॉक, वर्किंग लिमिट। टाइप ऑफ बॉन्ड यूज इन ट्रैक सर्किट एरिया, जी बॉन्ड। टाइप ऑफ क्वेश्चन बोर्ड यूज्ड एट फुट ओवर ब्रिज, 25 kV डेंजर। क्वेश्चन बोर्ड प्रोवाइडेड एट न्यूट्रल सेक्शन, 50 100 मीटर, 200 मीटर, स्विच ऑफ स्विच ऑन। क्वेश्चन बोर्ड प्रोवाइडेड बिफोर साइडिंग्स, सैंड लैम्प्स और डेड एंड, अनइलेक्ट्रिफाइड। क्वेश्चन अनवायर्ड टर्नआउट, वाई वैल्यू फॉर बिच टाइप ATD एट 350 C, 2500 mm, जेड वैल्यू फॉर विच टाइप ATD एट 350 C, 1250 mm, फाइव टाइप वैल्यू फॉर थ्री पुली टाइप ATD एट 350 C, 2300 mm, जेड टाइप वैल्यू फॉर थ्री पुली टाइप ATD एट 350 C, 1050 mm ओल्ड एंड 1300 mm न्यू। बैक इनकम्बरेंस कितना होता है 2000 mm। एक्स्ट्रा हाइट अचीव्ड विथ सुपर मस्ट
2.75 mm लॉन्ग होता है, 1.835 मीटर, और मीडियम है, सॉरी ये है आपका लॉन्ग है 2.75 मीटर, मीडियम है 1.835 और शॉर्ट है 0.905। साइज ऑफ जीआई बोल्ट यूज्ड फॉर बॉन्डिंग 16x37x50 mm, 20x37x50 mm। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन आंसर OHE से रिलेटेड। तो अब तक टोटल 200 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं दोस्तों। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है पुराना वाला, तो जरूर देख लीजिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया पीकेआर टेक क्लासेस को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर जरूर करिए दोस्तों, शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।